यूपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का शांतिपूर्ण ढंग से हुआ आयोजन, प्रशासन की रही मुस्तैदी। यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव का आयोजन बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से किया गया। कैंपस में पुलिस और प्रशासन की गतिविधि देखने को मिली ताकि किसी भी तरीके की मुश्किलें न आए। प्रत्याशी छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग बूथ का आयोजन किया गया। हर पोलिंग बूथ में पोलिंग अफसर भी नियुक्त किए गए, जिसे चुनाव खत्म होने तक वहीं तैनात किया गया था। किस प्रत्याशी को जीत मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ सकता है, देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता खुशबू सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार, शौर्य न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। इस वक्त हम उदय प्रताप महाविद्यालय में खड़ी हूँ, जहाँ पे छात्र संघ चुनाव चल रहा है। सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान चलेगा। 12:30 बजे तक आखिरी मतदान होगा, फिर 1 बजे से वोट की काउंटिंग की जाएगी और 5 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग पोस्ट के लिए खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं। खास करके इस बार अलग थीम बनाया गया, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि पिंक थीम बनाया गया है, पिंक बूथिंग वोट बनाया गया है और रेड कार्पेट से, खास करके रेड कार्पेट से इसे सजाया गया है। खास करके ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए है। ये पहली बार ऐसा छात्र संघ चुनाव में देखने को मिल रहा है कि पहली बार ऐसा थीम बनाया गया है। तो आइए हम यहाँ के छात्र छात्राओं से बात करते हैं और पूछते हैं मतदान देकर कैसा लगा और उनके अनुभव जानते हैं। अब बताएंगे आप किस डिपार्टमेंट से हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आपने पहली बार छात्र संघ चुनाव का वोटिंग डाला होगा? पहली बार है, पहली बार चुनाव देखा है मैंने यहाँ कॉलेज में आके। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, सब कुछ सही था, अच्छे से। ये बॉयज और गर्ल्स का अलग बूथ करके भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, नहीं तो ऐसे बहुत भगदड़ मच जाती थी। गर्ल्स और बॉयज सब एकदम अभी सेपरेट हैं, सही है, अच्छा है। तो आपने पहली बार छात्र संघ चुनाव का वोटिंग किया है और पहली बार आपने ऐसा देखा है, आप अपनी अनुभव बताइए। पहली बार कुछ देखा है, कुछ नया लगा, अच्छा लगा, सब सही था, अच्छा लगा, ठीक ही था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। छात्र संघ चुनाव के लिए आप यहाँ के प्रत्याशी है, खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या अलग चीज करेंगे इस यूपी कॉलेज के लिए कि छात्र छात्राएं आपको वोट दे, आप ऐसा क्या अलग करेंगे? पहले मैं अपना पर्ची देना चाहता हूँ। मेरा नाम है श्वेताप सौरभ सिंह, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। जैसा कि कॉलेज ऋषि जी का ये बगिया है, इसे हम लोग अपना परिवार समझते हैं, तो अपने परिवार के लिए कुछ झूठा वादा कोई नहीं करता। अगर आपका ये परिवार है, ये आपका समझ लीजिए मंदिर है, घर है, तो आप इसकी मरम्मत करेंगे। बेसिक यहाँ पे जरूरी है रेस्ट रूम, वॉशरूम और यहाँ पे महिला गार्ड, कम से कम लगभग 5 महिला गार्ड। उसके बाद महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक हेल्पलाइन होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो भी जैसे जो भी छात्र हितों के लिए कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए अभी सिलेबस की मुद्दा आया, हर कैंपस हर जगह सिलेबस, जैसे विद्यापीठ में हरिचंद में सिलेबस 25% कम किया गया, लेकिन हमारे महाविद्यालय में अभी तक सिलेबस कम नहीं किया, तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लगभग मुझे उसकी जीत मिल चुकी है। 19 तारीख को अगर मैं आप लोगों के आशीर्वाद से अगर अध्यक्ष बन के कैंपस में आता हूँ, तो मैं सबसे पहले सिलेबस का जो पर्चा जीत कर लेके आऊंगा। मैं यही मानना चाहता हूँ कि देखिए कैंपस में सबसे जरूरी क्या है, छात्रों को शिक्षा के बारे में बताइए, और जब शिक्षा में दिक्कत आती है, जैसे कि शिक्षा में आने वाली चीज, जैसे उनको अगर क्लास में अगर उनको गर्मी लग रही, पंखा नहीं चल रहा है, तो वो चीज बाद में आता है, पहले शिक्षा आता है। क्लासेस रन करे कायदे से, क्लासेस डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ज्यादा हम लोग का कुछ ज्यादा इस साल कुछ ज्यादा कुछ मोटो नहीं है, कार्यकाल कम है, और हम लोग यही सोच रहे हैं कि बस एक चीज हो, डिसिप्लिन बना हो, कि वो बहुत जरूरी है। मेरा नाम श्वेताप सौरभ सिंह है, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सीसी कैमरे लगाए गए, सभी कक्षाएं जो है सीसी कैमरे के दायरे में है। गेट से लेके अंदर तक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, मुख्य गेट पर, फिर बीच वाले गेट पर मेटल डिटेक्टर, फिर डिग्री कॉलेज गेट पर, और फिर हर संकाय पर बिना परिचय पत्र बिना रसीद के अलावा कोई भी छात्र अंदर नहीं घुस सकता। दूसरा हम लोगों ने किया कि जो भी मतदान एजेंट है वह उसी क्लास का रहेगा, उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। अगर उस कमरे से बाहर जाता है, चुनाव में किसी प्रकार का प्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है, तुरंत उसको शासन के हवाले कर दिया जाएगा। काफी मात्रा में पुलिस बल देखने को तैनात देखे, गेट पर देखे, हर जगह देखने को मिला, पुलिस बूथ हर मतलब बूथ पे भी देखने को मिला, तो इसकी तैयारी कब से चलती आ रही थी? इसकी तैयारी करीब नामांकन के समय से ही चली आ रही थी। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी और एसपी सिटी वाराणसी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भारी मात्रा में करीब 700 से ज्यादा पुलिस और लेडीज पुलिस,
पीएससी, घुड़सवार पुलिस, फायर ब्रिगेड, आंसू गैस, इस तरह की पूरी व्यवस्था कि आप निर्भीकता से शासन के निर्देशानुसार आप चुनाव कराएं, इसलिए कहीं भी कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। और हमारा पूरा ये मंत्र था कि यह छात्र संघ का चुनाव जीरो टॉलरेंस पर हम कराएंगे। पहली बार हमने 10 पानी के बूथ भी लगवाए हैं। के लिए लोग कितने उत्सुक हैं और इस कॉलेज के छात्र छात्राओं में काफी उत्सुकता देखने को मिला है। और इस बार कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए कुछ अलग देखने को मिला है। पिंक वोटिंग बूथ बनाई गई है जिसे रेड कार्पेट से बनाया गया है। पहली बार छात्र संघ चुनाव में ऐसा देखने को मिला है। और खास करके 25 बूथ बनाए गए हैं कोरोना को देखते हुए, 25 बूथ बनाए गए और 4588 छात्र छात्रा अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। और 5 बजे पता चलेगा कि कौन जीत का सामना कर रहा है और कौन हार की सामना कर रहा है। और खास करके इस बार इस गर्मी को देखते हुए भी यहाँ पे जो व्यवस्था है, पुलिस बल है, और गर्मी को देखते हुए पानी की और जो भी व्यवस्था है काफी अच्छी तरीके से की गई है। और पुलिस बल काफी मात्रा में है और अभी तक मतदान चल रहा है और अभी तक कोई भी रुकावटें नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से खास हिदायत दी गई थी कि कोई भी गड़बड़ होता है तो मतदान रोक दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मतदान काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। अब शाम के 5 बजे ये पता चल जाएगा कि कौन प्रत्याशी जीत का सामना करा। और हर एक प्रत्याशी जो है अलग अलग मोटो से खड़े हुए हैं कि उदय प्रताप महाविद्यालय के लिए वो क्या क्या करेंगे। शाम को 5 बजे पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी जीता और उनका क्या मोटो है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ खुशबू सिंह।